लेकिन इस तरह नहीं देखा, आज तो बहुत ही अच्छा लगा ये। सबसे पहले तो मैं अनीस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि इनके साथ मैंने बहुत काम किया, और ये वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने मेरी टांग तोड़ करके दुबई में मेरे को बहुत दौड़ाया और बहुत फेमस भी करवाया मेरी एक टांग। ये मेरे साथ खड़े, और जब ये मैं फिल्म कर रहा था तो मैं बड़ा डरा हुआ था यार, ये रोल में मेरा होगा क्या। और मैं कुछ जब शूटिंग हो रही थी तो बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग बहुत आराम से होती है, 3-4 दिन तक तो मैं ऐसे ही खड़ा रहा, यहाँ नाना पाटेकर, यहाँ पर अक्षय कुमार, और मैं खड़ा हुआ ऐसा। अब यकीन करना, मैं रात में सोता नहीं था, मैं ठीक से खाना नहीं खाता था। चौधरी अनीस भाई को मैंने बोल दिया, अनीस भाई मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक से खा नहीं पा रहा, क्या बात है भाई, क्या क्या हुआ, क्या टेंशन, क्या प्रोडक्शन कुछ प्रॉब्लम है, होटल का कुछ प्रॉब्लम। मैंने नहीं, सब ठीक है, मेरा ही प्रॉब्लम है। बोले क्या हुआ, और वो दिन आ गया जब वो पहला मेरा सीन हुआ, जिसपे किया था सर हमने, यहाँ पर के अडिग्रानी आता है, वाह ये हो गया और गुस्से में आता है, कंट्रोल कंट्रोल, वहां पर बोलता है पता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है, देन आई स्टार्ट। तो वहां पे जब सीन हुआ ना, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, जितना मेरे पुलिस जो थे, दूसरे जो मेरे कलाकार थे, उन्होंने कहा यार ये कमाल हो गया, इवन नाना पाटेकर, यार इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। तो थैंक यू वेरी मच अनिल भाई यहाँ आने के लिए भी और सबके लिए। एक्चुअली क्या है कि मला मराठी समजतो पण बोलू पण बोलू पण सकतो, पण थोडा बिघाडा होती का, तो इसलिए ज्यादा पंगा नहीं लेना, अपनी औकात में रहना। दिस इज वेरी प्राइड डे फॉर मी, किसी भी माता पिता के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए वो बहुत गर्व का दिन होता है जब उनका बच्चा कुछ करता है। मैं सुनता था लोगों से, मैंने इनके साथ एक और मोहसिन ने फिल्म की है जो बहुत जल्दी रिलीज होगी, उसमें भी प्रथमेश है और बड़ा अच्छा, उसमें मैंने रोल भी किया है, 200 मुझे लगता था ठीक ठाक है। लेकिन उसके बाद जब सारे आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस ने मुझे कहा कि यार योर सन इज वेरी टैलेंटेड, वेरी हार्ड वर्किंग और जुनूनी है, फोकस है, बहुत इज वेरी मच फोकस्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जब मैंने फिल्म देखी और खासकर ट्रेलर देखा, थोड़ी फिल्म भी मैंने रश में देखी है, तो अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है और अच्छा शूट भी हुआ है, और डेविड जो है इनके प्रोड्यूसर जो है, इन्होंने बहुत दिलेरी के साथ काम किया है, पहली फिल्म थी इनकी। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना अच्छा ब्रेक मेरे बच्चे को दिया। तो बट आई विश ये फिल्म जिस तरह से टेक्नीशियन ने पसंद किया है, बाकी लोगों ने पसंद किया है, और सबसे ज़्यादा मैं सिनेपोलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो इस फिल्म को थिएटर तक ला रहे हैं, क्योंकि फिल्म का बनाना, उसको कंप्लीट करना ठीक है, लेकिन फिल्म को रिलीज तक आना, थिएटर तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू वेरी मच सिनेपोलिस, थैंक यू।